नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पर सभी दोस्तों का, व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ये धुन मैंने बजाई है, इसको आपने सुन लिया होगा। ये राग खमाज के ऊपर आधारित है, जिसमें आरोह के समय शुद्ध नहीं लगेगा और अवरोह के समय कोमल नी का यूज होता है। तो ये धुन कैसे इसी को हम बजाना सीखेंगे आज। इस धुन को कैसे, ये मेरा स्केल है तीसरी काली जाएंगे। इसका स्केल मैंने तीसरी काली रखा, इसमें लगने वाले स्वर सा रे गामा पाधा निशा, तार सप्तक के सातक, सा रे गामा पाधा निशा सातक रहेंगे तार सप्तक के। और इसमें इसके जब अवरोह करेंगे तो तब लगेगा कोमल नी, और आरोह के समय शुद्ध नी लगेगा, इतना ख्याल रखिएगा। लोअर ऑक्टेव के धा और नी शुद्ध, ये इसमें नोट्स लगेंगे। सबसे पहले फ्रेज सा ग म प म ग रे सा ग म प म ग रे सा नी सा ध नी सा सा ग म प म ग रे सा नी सा ध नी सा। पहला फ्रेज सा ग म प 1 2 3 4 म ग रे सा 1 2 3 4 नी सा ध नी सा 1 2 3 4 1 2 3 4 ताल कहरवा में 4/4 बीट्स में। दूसरा फ्रेज कैसे बजे ग म प ध नी सा नी ध ग म प म ग रे सा ग म प ध नी सा नी ध ग म प म ग रे सा ग म प ध 1 2 3 4 नी सा नी ध नी ग म प ध 1 2 3 4 नी सा नी ध 1 2 3 4 इसमें दोनों नी आ गए, पहले शुद्ध नी नी सा नी ध 1 2 3 4 ग म प म ग रे सा ग म प म 1 2 3 4 ग रे सा 1 2 3 4 सा के ऊपर एक मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरह से धुन बन जाएगी। दो फ्रेज हैं, एक बार देखें दोनों फ्रेज को जोड़ करके सा ग म प म ग रे सा नी सा ध नी सा ग म प ध नी सा नी ध ग म प म ग रे सा। इस तरह से ये धुन बज जाएगी। इसको एक बार ताल कैरवा के साथ पुनः बजा के बताता हूं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।